ये हमारे गांव की खींच गाय की और ये इस औरत की गाय भी आई थी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी सिंपल ब्लॉग्स। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख ही रहोगे कि नई जगह पे आई हूँ, मतलब कि उत्तराखंड आई हूँ अपने नए घर में। और ये बैक साइड है, अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ गांव में जब गाय का बेबी होता है तो खींच बनती है, तो हम लोग वो खाने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी और अभी बाद में आपको घर भी दिखाऊंगी। अभी तो घर की हालत, मतलब घर का सामान वान सब ऐसे हो रहा है बिल्कुल ही। अभी कल या परसों मैं आपको घर भी दिखाऊंगी और 26 में हमारा गृह प्रवेश भी है, तो चलते हैं। आप देख सकते हैं उस लड़की को, वो मेरी बहन, चलते हैं हमारे खेत, मस्त चलते हैं यहाँ से। कहाँ मजदूर होगा वो। और आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो घर बन रहा है, ये हमारे ताऊजी औरों का घर बन रहा है, मतलब अभी इसका काम चल ही रहा है और हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारे ताऊजी औरों का घर है, जो कि मतलब ये बनेगी गोट और वो है उधर की साइड को घर, ये भी बैक साइड ही है मतलब। और ये देख सकते हैं ये वाला हमारी चाची औरों का घर बन रहा है और ये है गोट और ये हमारी गाय बच्चा है। ये हमारे गांव की खींच गाय की और ये इस औरत की गाय भी आई थी। इसको भिगोत कहते हैं। ये देखो देख में खींच है मस्त। हाँ उस टाइम आई तो थी, बताई मस्त छोटा चूल्हा भी मस्त छोटा छोटा। हमारे घर में लग रहे हैं पंखे, तो दो तीन कमरों में तो लग चुके हैं, मैं कुछ खाती हूँ और अभी बाकी लग रहे हैं। ये अभी हमारा किचन में लग रहा है और इस वाले रूम में हमारा लग चुका है पंखा और बाकी दो तीन और वहाँ पे लग चुका है और बाकी ये और जगह हमारे पंखे लग रहे हैं और ये हमारे घर वाले। और मित्राणियों, मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिया है क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा पौधे वौधे लगाने हैं और वहाँ पे उधर की साइड को पूरी क्यारी सी बनानी है, तो मैंने सोचा चेंज कर लेती हूँ, मतलब बिल्कुल बाल वाल बात के एकदम कंफर्ट में आ जाती हूँ अपने मस्त। और यहाँ पे मैं आई हूँ अब पाउडर ढूंढने, क्योंकि पाउडर से पहले उसको हम खोदेंगे फिर क्यारी वगैरह बनाएंगे। पर इतना सामान मिल रही हूँ पर देखते हैं कहाँ है पाउडर। ये देख सकते हैं आप लोग पापा और दी लगे हुए हैं काम पे। कैसे देख रहे हैं आपको दो बिलांग टाइस उठा चुके हैं। अरे फेंकने नहीं, मैं इसे करती हूँ उठा दिया। तो गाइस गमले का काम करते करते बारिश हो चुकी है बाहर, आप देख सकते हैं भयंकर। और फिर गमलों का काम हमें बीच में से छोड़ना पड़ा, फिर मैंने छोड़ के नहा के भी आ चुकी हूँ मैं, नहा धो के मस्त, क्योंकि मिट्टी में एकदम मजे से हो गए थे। तो बाकी का जो काम बचा है वो हम करेंगे कल, क्योंकि आज तो बारिश ने ख़राब कर दिया पूरा, थोड़ा बहुत मतलब कर ही लिया थोड़ा बहुत तो हमने, और बाकी बारिश आ गई उसकी वजह से हमें रोकना पड़ा। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ये जो है दरवाजा, हार्ड डिस्क का काम हुआ है, जो ये हमारा मेन गेट है आगे का वो लगा है, और इसको बिल्कुल मतलब बैलेंस के लिए पूरे एक हफ्ता तो लगेगा ही, उन्होंने बोला कि एक हफ्ते तक इसे ऐसे ही रहने दे रहा है, तो देखते हैं। और आज हमारे फैंस भी लगे थे आपको पता ही है, तो बस
मौसम का मजा लेते हैं बारिश शुरू की तो मिलता है थोड़ी देर में। यहाँ पे बन रही है गरम गरम रोटी चूल्हे की और ये आप लोग देख सकते हैं कि पापा खा रहा है खाना और यहाँ पे रखा हुआ है खाना मस्त और ये और खाना लगा है कि ये हमारे बैग दिखा रहे खाली। तो गाइस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर के और क्योंकि अभी हम लोग आए थे ताई जी के खाना खाने क्योंकि अभी तो जब तक गृह प्रवेश नहीं होता हमारा गृह प्रवेश पूजा पाठ तो तब तक हम वहाँ खाना नहीं खा सकते और नहीं बना सकते तो खाना खाने तो हम ताई जी के ही जा रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं वापस खाना खा के घर के और पापा मैं और दीदी और वो है हमारा घर आप लोग देख सकते हैं तो चलते हैं बस। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर में और अंदर तो हम लोग नीचे ही जाएंगे क्योंकि थोड़ी सी गर्मी हो रही है पता नहीं क्योंकि लाइट यार ज़्यादा जा रही है और इन्वर्टर अभी हमारा आया नहीं है कल तक आएगा तो अभी हम लोग की गर्मी में नीचे तो सोएंगे नहीं तो छत में जाएंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं गद्दा लेने के लिए और इस रूम में अंधेरा है तो फ्लैश ऑन कर लेते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे जो लाइट लगेगी वो अभी लगी नहीं है लाइट और बाकी अंदर तो लग रखी है लेकिन यहाँ पे नहीं लगी तो बिस्तर उठा लेते हैं मस्त गद्दे यहाँ पे हम लोगों ने गद्दे डाल रखे सारे चलते हैं ऊपर की ओर और बिल्कुल छत में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एसी में हवा आती है बिल्कुल छत में ऐसे मज़ेदार कल क्योंकि कल भी हम छत में ही सोए थे मज़ेदार नींद आ रही थी और इसलिए हम आज भी छत में ही सोएंगे मस्त। तो गाइस बस हम लोग पहुंच चुके और गद्दे वद्दे भी ऊपर लगा लिए हैं तो ऊपर तो था अंधेरा तो मैंने सोचा नीचे आके जरा अपना ब्लॉग ऐड कर लूँ तो बस मेरा आज का ब्लॉग यही खत्म होता है मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।